क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कुछ दो तीन लड़कों ने बाबर आजम को बहुत बुरा भला बोला। कहते हैं बाबर शर्म कर ले ओए, तुम लोगों का ना कोई शर्म ना कोई हया। छोरा गया बाबर आजम फील्ड पे आए थे, बाउंड्री पे खड़े, वैसे पीछे से आवाजें आती है, दो तीन की आवाजें थी, बाबर शर्म कर ले ओए, ओ तेरी T20 में जगह नहीं बनती। तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी बाबर आजम अपने आप का खुद दुश्मन है, बाबर आजम अपने आप को खुद नुकसान दे रहा है। दोस्तों दूसरे T20 मैच में फैंस ने बाबर आजम को लाइव मैच के दौरान गालियां दी हैं। कुछ क्रिकेट शायकी ने साबिक कप्तान बाबर आजम के साथ बहुत बदतमीजी की। मैं आपको कुछ कंटेंट दिखा देता हूं, मैंने वो वीडियो देखी, सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन जर्सी पहन रखी है, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ उस बंदे ने किया है, उसने बैटिंग भी नहीं की थी बाबर आजम ने, और आप दूर से इस तरह हाकरों की तरह हांक रहे हैं। दूसरी जानब अगर सोशल मीडिया को उठा के देखें तो सोशल मीडिया पे जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने बाबर और रिजवान को आड़े हाथों लिया हुआ है। इसे इतना ख्याल नहीं है कि यार ये मेरे पाकिस्तानी है और साथ में खड़े जो है यार ये गोरे हैं, और इन गोरों के सामने मैं अपने मुल्क के लोगों को जलील कर रहा हूं, उन्हें आंखें दिखा रहा हूं, इन गोरों से ये कह रहा हूं कि इन मेरे मुल्क के लोगों को धक्का दे के। लेकिन ये जो दो तीन नमूने थे ना जिनके घर वालों ने इनको निकाला हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया भागे हुए, जिनके बाप इनको अपनी औलाद तस्लीम नहीं करते, ये वो गंद है। शर्म कर ला होए पंजाबी में मतलब उसने बात किया, कुछ शर्म कर ला होए, तेरी टीम च जगह नहीं बनती। अभी ये लहजा ना हाकर वाला समझेगा, कंडक्टर नहीं होते हाकर, वो वाला लहजा है एक्चुअली में। तो वापस लौट जा, वापस तोड़ जा, तेरी टीम से जगह नहीं बनती। अब शोर मचाई जा रहा है, बाबर आजम ने यूं पीछे मुड़ के देखा, तेरे ये जो फैंस है ना ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा इन्होंने ही तुझे चिढ़ाया हुआ है ना, यही तुझे कहते हैं ना बॉब्जी द किंग, बॉब्जी इज बेटर देन विराट कोहली, यही कहते हैं ना, यही सोशल मीडिया पे तेरी वो चला रहे होते हैं वीडियोस। तो कुछ क्रिकेट शायकी ने साबिक कप्तान बाबर आजम के साथ बहुत बदतमीजी की। मैं आपको कुछ कंटेंट दिखा देता हूं, मैंने वो वीडियो देखी, सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन जर्सी पहन रखी है, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ उस बंदे ने किया है, उसने बैटिंग भी नहीं की थी बाबर आजम ने, और आप दूर से इस तरह हाकरों की तरह हांक रहे हैं। मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं, ये देखिए, कुछ शर्म कर ला होए पंजाबी में मतलब उसने बात किया, कुछ शर्म कर ला होए, तेरी टीम से जगह नहीं बनती। अभी ये लहजा ना हाकर वाला समझेगा, कंडक्टर नहीं होते हाकर, वो वाला लहजा है एक्चुअली में। तो वापस लौट जा, वापस तोड़ जा, तेरी टीम से जगह नहीं बनती। अब शोर मचाई जा रहा है, बाबर आजम ने यूं पीछे मुड़ के देखा, फिर कहता है बाबर बाबर और मुड़ के फे देख, और गुस्सा कर गए हैं, इधर वेख, बाहर आ जरा, बस तालियां मार, वो कहीं किसी ने फील्डिंग की तो बाबा ने क्लैप किया होगा, तो फिर बोला कि बस तालियां मार कर मारिया कर, कैच छाड़ता ही, जब बाबर आजम ने कैच भी छोड़ा। तो मैं एक बात करूंगा कि खिलाड़ी से 50 मीटर दूर स्टेडियम में बैठकर 4 टके के फोन से 2 टके की वीडियो कोई भी बना सकता है, अगर दम है तो उस जैसा तो दूर की बात है, प्रैक्टिस में आए हुए नेट बॉलर की तरह ही बनके दिखा दीजिए। मतलब बात कर देना बहुत आसान है कि बाबर आजम तू कैच छड़ता हुआ, टीम T20 जगह नहीं बनती। अच्छा ऐसे बंदों के बारे में ना एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा है, जरा लाहौर पोरा और मक्के भी पोरा, ये मुहावरा बना हुआ है। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इसके हाकरों वाला लहजा बता रहा है कि उधर के एनवायरनमेंट ने जीरो असर किया इस बंदे के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही कितने गुजरा वाला लहजा ले फिरता है, वही उसने वहां पर लगाया। अगेन मतलब मैं खुद उस तरह नहीं बोलना चाह रहा जिस तरह वो बोला, बट पॉइंट इज कि यार मुझे दुख हुआ कि एक पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की इस टीम में नाकाम होने के बावजूद भी सबसे बड़े बल्लेबाज वो करार देते हैं। अभी जब पाकिस्तान वनडे सीरीज जीता तो लास्ट मैच में देख लीजिए, क्राउड बाबर आजम कह रहा था, ये क्राउड का भी एक अजीब हिसाब है, क्राउड का भी एक अजीब हिसाब है। इसे कहते हैं क्या देख रहा है, चल उधर साइड में हो जा, यानी कि जो इस वीडियो को मैंने देखा ना, मुझे यही समझ आया कि ये वाली बातें जो बाबर आजम को बोली गई हैं, और बाबर आजम का जो रिएक्शन था वो यकीन माने बड़ा ही जो है वो इस तरह का था, दुखी किस्म का, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इस पे मैं अपनी जाती राय तो दूंगा, लेकिन आपने सबसे पहले कमेंट करना है एक कमेंट, और उसमें आपने बताना है कि क्या किसी भी स्टार को इस तरह से जो है वो कहना चाहिए, चाहे वो परफॉर्म कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बाबर आजम कल जो आपको मालूम है कि बाबर आजम आते साथ 3 रन्स बनाने के बाद आउट हो गए और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की टीम हार गई, रिजवान ने आके ठुक 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 करके जो वो T20 को टेस्ट बना के खेला और 9 ओवर्स में हम एक चौका तक नहीं लगा सके। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कुछ दो तीन लड़कों ने बाबर आजम को बहुत बुरा भला बोला। कहते हैं
बाबर शर्म कर ले ओए। बाबर आजम फील्ड पे आए थे, बाउंड्री पे खड़े, वैसे पीछे से आवाजें आती है, दो तीन की आवाजें थी। बाबर शर्म कर ले ओए, ओ तेरी T20 में जगह नहीं बनती, तू वापिस लाहौर जा, वापिस तुर जा। बाबर आजम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो चिल्ला रहे थे, वो गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, बाबर इग्नोर कर रहा था। फिर बाबर को कहते अदर वे, तीन चार दफा उन्होंने चिल्ला के बोला अदर वे ओए ओए ओए। फिर बाबर आजम ने गुस्से में मुड़के देखा, गुड ये था कि बाबर आजम को, जिसको कहती है ना बाबर आजम में वो सबर है, बाबर आजम ने अपना सबर नहीं तोड़ा। बाबर आजम ने देखा, बाबर आजम ने वापस मुड़ गया। अब जो पॉइंट नोट करने वाली चीज है ना वो ये है कि इस वक्त चल रही है फर्स्ट इनिंग्स, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, या तो होती ना ये सेकेंड इनिंग्स बाबर आउट होके आया था, फैंस का गुस्सा देखने को मिलता। अभी तो बाबर आजम ने बैटिंग करने जाना था, ये जो हरकत हुई है ये काबिले कबूल नहीं है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सारे इतने शानदार किस्म के फैंस आए हुए थे जो बाबर आजम को भी सपोर्ट, पूरी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो दो तीन नमूने थे ना जिनके घर वालों ने इनको निकाला हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया भागे हुए, जिनके बाप इनको अपनी औलाद तस्लीम नहीं करते, ये वो गलत है जो जाके ना बाबर आजम को बुरा भला बोल रहे थे, जो कि गलत है। चाहे कोई और भी होता, कोई और भी होता फिर भी उसके साथ गलत था। ये किसी भी एथलीट के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाउंड्री के ऊपर डिसरिस्पेक्ट मिले। और सबसे हटके चाहिए, या तो कोई ऑस्ट्रेलियन हो ना, कोई गोरा हो, वो क्रिटिसाइज कर रहा हो, समझ आती है, जैसे घोड़े अक्सर करते होते बदतमीजी। अपने अपने मुल्क के ये जिसको कहते हैं ना लोग हैं जो बुरा भला बोल रहे हैं, जब आप अपने स्टार की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप क्यों उम्मीद रखते हो। बाबर सेल्फी सेल्फी सेल्फी, फिर वो सही है ना, वो किसी को मुंह ही ना लगाए। इतनी बुरी हरकत थी ये, इतनी बुरी हरकत थी, मुझे तो पर्सनल तौर पर बड़ा दुख हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ है। अब इन्होंने ये जो वीडियो बनाया इन्होंने अपने अकाउंट से अपलोड किया ना, आई रिक्वेस्ट टू PCB इनके अकाउंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इनको पकड़ें और इनको बताएं कि ये कोई तरीका नहीं होता। दोस्तों कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड T20 मुकाबला खेला गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इस मैच में एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद बाबर आजम ट्रेंडिंग में आ गए और उनकी वो वीडियो वायरल करने लगी। उस मैच के दौरान जब बाबर आजम बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो उस समय उनके फैंस ने उनको आवाज लगाई और उनको बोला कि ए बाबर तू T20 का प्लेयर नहीं है, तेरे से ना कैच होता है ना फील्डिंग होती है, तू घर वापस जा और लाहौर चला जा। और उसके बाद से उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पाकिस्तान की मीडिया इस वीडियो को लेकर पूरी वीडियो चला रही है और बाबर आजम के सपोर्ट में आ रही है कि बाबर आजम चाहे जैसा भी बल्लेबाजी हो और जैसा भी फील्डर हो, अगर उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है तो किसी भी फैंस को उनको ऑस्ट्रेलिया के मैदान में अपने देश का नाम खराब करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान की हरे कलर की टी शर्ट पहनकर वहाँ फील्डिंग कर रहे थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।